गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। तो दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह, एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई, अब लग होने लगी है खाने की तैयारी शुरू। और मैं अभी बनाऊंगी मटर पनीर और आपको भी बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा पनीर बनाने से पहले मैं बच्चों के लिए ना फ्रूट पैक कर लेती हूँ। तो ईवा ने रात को बोला था कि मम्मा मैं कल ना वाटरमेलन लेके जाऊँगी, मुझे मैंगो मत देना। तो मैं ईवा के लिए सबसे पहले वाटरमेलन काट लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के फ्रूट्स भी अलग अलग होते हैं, आदि को वाटरमेलन नहीं पसंद और ईवा को पसंद है। और फिर मैंने सोचा कि पहले यार मैं बच्चों के ना टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो मैंने इधर सबसे पहले वाटरमेलन को काटा, धो के मैं ना जो भी सब्ज़ी मैं लाती हूँ या फ्रूट्स लाती हूँ सबसे पहले मैं उनको धोती हूँ, तब मैं उनको फ्रिज में रखती हूँ। मैं बिना धोए कोई भी चीज़ फ्रिज में नहीं रखती। और उसके बाद जब मैंने ईवा का फ्रूट पैक किया तो मैंने सोचा आदि का भी मैं फ्रूट पैक कर देती हूँ। तो आदि को भी मैंने मैंगो काट दिया और आदि को भी मैंने मैंगो पैक कर दिया, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि अगर बच्चों के थोड़े बहुत लंच पैक हो तो बाद में मेरे को ज़्यादा लंच नहीं होते पैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया। और इधर मैं आपको अपना फ्रिज दिखा रही हूँ कि मैंने फ्रिज में अदरक, मिर्च, मैंगो सब स्टोर करके रखा है, पूरा फ्रिज में भर के रखती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अपने फ्रिज को ना साफ़ सुथरा रखूँ। और इधर शुरू हो गई है मेरी तड़का लगने की तैयारी। तो तड़के लगाने के लिए आपको पता है मैं सारा ही सब्ज़ियाँ सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो इधर भी मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और फिर मैंने इसमें अपना मैश किया हुआ प्याज लहसुन डाल दिया। और जीरा भी मैं ना प्याज के अंदर ही डाल देती हूँ, मैं मतलब तेल में जीरा नहीं डालती क्योंकि वो जल जाता है। तो मैंने ये सारे मसाले नहीं प्याज ऐड किया। उसके बाद मैं टमाटर काटने लग गई। तो प्याज भी मैं ना मटर पनीर में या मटर मशरूम में मैं प्याज और टमाटर खूब सारे डालती हूँ। तो इधर मैंने प्याज डालने के बाद टमाटर काटने लग गई। और ना मेरा कुकर इसलिए थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है क्योंकि मैं तेल कम डालती हूँ ना, तो मतलब इसके आसपास वो काला काला सा हो जाता है। बट जब मैं टमाटर डालती हूँ तो ठीक हो जाता है, बट तेल नहीं मैं ज़्यादा खाती ना, मैं किसी को खाने देती हूँ। आप बोलोगे हर वीडियो में ये बोलती रहती है कि ना मैं तेल खाती हूँ ना मैं खाने देती हूँ, क्योंकि दोस्तों क्योंकि हेल्थ जो है ना सबसे ज़रूरी है। बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सही रहेगी तो सब सही रहेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तली हुई भुनी हुई बाहर की चीज़ें कम खाऊं और बच्चों को और हस्बैंड को भी ना खाने दूं और तेल भी ज़्यादा ना खाऊं, उनको भी हेल्दी रखूं। तो इधर मैंने टमाटर डाल दिए और सारे मसाले आपको पता है जो मैं रोज़ डालती हूँ, धनिया पाउडर और गर्म मसाला, हल्दी, नमक और देगी मिर्च, ये चार पाँच मसाले मैं डालती हूँ। तो इधर मैंने रख दिया अपने मसाले को थोड़ी देर पकने के लिए। और इधर मैंने सोचा मैं तब तक पनीर काट देती हूँ, और मटर तो हम फ्रोजन ही लाते हैं। तो इधर मेरा मसाला अच्छे से पक चुका था और फिर मैंने इसमें अपना खूब सारा पनीर ऐड कर दिया और अपने मटर भी ऐड कर दिए। तो इस तरह से मैं ना मॉर्निंग का मेरा जो रूटीन होता है कुछ इस तरह से बिज़ी वाला रूटीन होता है, और इस टाइम मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ तो बात करने का टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को बता दिया करूँगी कि मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ, मैं सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ दोस्तों। और मुझे अब तो यूट्यूब की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं आजकल, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेड ऑफ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने खुद को ना इतना बिज़ी कर लिया है। एंड दोस्तों मटर पनीर जब हो गया उस डाल दिया मैंने, तो मैंने ना आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना पानी डालना चाहो डाल सकते हो, हम थोड़ा सा रसीला खाते हैं तो मैंने पानी ऐड कर दिया। और अपने कुकर को फिर कर दूंगी मैं बंद और बन जाएगी मेरी सब्जी। तो दोस्तों सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं नहा धोने के बाद आ गई हूँ, अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। यार बीच के काम ना इतने ज़्यादा होते हैं, झाड़ू पोछा और इतने सरदर्दी हो जाते हैं उनको कभी कभी ना, जो मेरे को थकान होती है। तो सारे कपड़े धो दिए, उस टाइम में कैमरा पकड़ना भूल के जाते हैं, मुझे लगता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो बस। और अभी मैं खाना खाऊंगी और देखती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर ना रेस्ट करूँगी। आज ना मेरा शॉर्ट बनाने का दिल नहीं कर रहा, बाकी अगर हो गया तो मैं बना लूँगी, नहीं तो फिलहाल मैं अभी खाऊँगी खाना। दोस्तों मैं ना अपना कुकर खाली कर देती हूँ, सुबह सारे बर्तन धो देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। ये ना गैस वाला बर्तन है, इसको गैस में रख देते हैं तो ये जलता नहीं है, तो मैं इसमें ही सब्जी रख के गर्म कर दूँगी। और बीच बीच में अगर भूख लगे तो मैं झाड़ू पोछा देते देते थोड़े से स्प्राउट्स ऐसे खा लेती हूँ। बहुत अच्छे स्प्राउट्स बन गए, इनसे ना जल्दी आपको भूख नहीं लगती।
दोस्तों, ये है मेरा दोपहर का लंच, मटर पनीर की हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी कम तेल में बनी हुई, साथ में लोकल प्याज और चावल। आ जाओ आप भी लंच कर लो। हेलो हेलो दोस्तों, आप भी सोचोगे कि अभी बोल रही थी मैं नहा के आई और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर रेडी शेडी होके आ गई। तो हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ी सी शॉर्ट बनाती हूँ, मैं तो थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो मैं बिना मेकअप के भी शॉर्ट्स बना लेती हूँ, बट मुझे लगा कि मैंने काफ़ी टाइम से एक मेरे प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है पूछ रही थी मुझे ना कि मैंने इस साड़ी में एक वीडियो बनाया था शॉर्ट, तो पूछी थी कि कहाँ से ली। तो मैं उनको यही बोलने वाली हूँ कि ये ना मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, ये मैंने ऑफलाइन ली है साड़ी और मैंने ये स्टिच करवाई हुई है, तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आप पूछते हो जो भी चीज़ मैं ऑनलाइन लेती हूँ ना, उसका मैं आपको पक्का रिव्यू शेयर करती हूँ। तो शायद मैंने इसका नहीं किया होगा क्योंकि ऑफलाइन है, तो मैंने इसका रिव्यू शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये मैंने ऑफलाइन ली है और ये मैंने खुद स्टिच करवाई है। और क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता तो मैंने स्टिच करवा लेती हूँ मैं। तो मेरी प्यारी प्यारी गर्ल्स, अगर मेरी जब भी कोई ऑनलाइन मेरी कोई ड्रेस आएगी तो मैं उसका ज़रूर आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। एंड ये कुछ इस तरह की है, पर आपको एक चीज़ बता दूँ इसके साथ ना, मैंने ऑनलाइन पेटीकोट जरूर लिया जो चले नहीं, जो एकदम फिट हो जाते हैं बॉडी के साथ, स्लिम क्या होते हैं मुझे बोलने में नहीं आता उनको, वो वाला ब्लाउज पेटीकोट लिया है। दूसरा जो होता है ना वो भी है मेरे पास, पर वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने एकदम से उसको पहना, उसमें इलास्टिक होती है तो तब इसकी शेप ना काफ़ी अच्छी आती है साड़ी की। आप कभी भी ट्राई करना अगर आप साड़ी ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, पर वैसा वाला पेटीकोट जो होता है ना, जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने, तो स्कर्ट की तरह होता है वो, तो वो मैंने लिया, वो मैंने इसके साथ पहना है, तो उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। और ये मेरी कुछ इस तरह की साड़ी है। एंड ये ब्लाउज थोड़ा ना खुला, उस टाइम में थोड़ी सी हेल्दी होनी शायद, तभी मैंने खुला सिलवा लिया ये। बट मैंने आपको कहा है ना कि मेरे पास एक गोल्डन कलर का ब्लाउज है जिसको मैं सारे लहंगों के साथ वियर करती हूँ, साड़ी के साथ भी पहन लेती हूँ, और मेरी मैक्सिमम कपड़े किसी अलमारी में होते हैं ये। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रख देना, ये मेरा गोल्डन कलर का ब्लाउज, मेरा गोल्डन ब्लाउज ये है, इसको मैं इस साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ। गोल्डन ब्लाउज और सिल्वर ब्लाउज और ब्लैक आई थिंक सबके साथ चलता है, पर गोल्डन जो है ना सब ड्रेसेस के साथ चलता है। तो ये मैं मैच करके कपड़े पहन लेती हूँ, तो इसलिए आपको लगता है मेरे पास बहुत कपड़े हैं, कपड़े पर कुछ ना, मैं 10-10 साल पुराने कपड़े भी अपने निकाल रही हूँ, वो भी लगते हैं। तो वो भी अभी मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, तो वो कपड़े भी मेरे यूज़ में आ रहे हैं। दोस्तों आप बोलोगे कि मतलब ये ऐसा बोल रही, मेरे पास में मेरी शादी से पहले के कपड़े भी हैं जो बिल्कुल नए के नए, कुछ मेरी ड्रेसेस ऐसे हैं, वन पीस ऐसे हैं, उनको भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, वो शादी से पहले के मेरे वन पीस हैं, और वो भी अभी तक बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कल ही खरीदे हो। तो मैं कपड़ों को ना बहुत संभाल के रखा, और मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट शेयर किया था कि दोस्तों मुझे बताना कि कौन कौन मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगी। तो एक सरदार जी हैं, वो मुझे बहुत कमेंट्स करते हैं। बस सरदार जी आप कमेंट भी करते हो, मेरी वीडियो भी देखते हो, पर आप लाइक करना भूल जाते हो, लाइक भी जरूर किया करो। और एक रिया जम्वाल है जो मेरी हर वीडियो में कमेंट करती है और हर्ट भेजती है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है, रिया जम्वाल। और एक है रिया राठौर, उसने बोला कि मैं आपकी वीडियोज देखती हूँ, मुझे आपकी वीडियोज बहुत अच्छी लगती हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, ज़्यादा बोलूँगी तो व्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो मैं बड़ा व्लॉग नहीं करना चाहती। एंड अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।